ये देखो यहाँ से व्यू, डैम का व्यू है। ये व्यू पॉइंट है और यहाँ पे कुछ फोटोज लगा रखी है व्यू पॉइंट्स के। ये व्यू पॉइंट है यहाँ का, डैम का व्यू पॉइंट है। तो यही था यहाँ का डैम का व्यू पॉइंट। तो ये तो मुझे कुछ खास अच्छा लगा नहीं, तो अब हम लोग चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर की ओर। हम लोग अभी सरदार सरोवर डैम का व्यू पॉइंट देख के आए हैं, वो कुछ इतना खास नहीं था। तो अब चलो वैली ऑफ फ्लावर भी देख लेते हैं कैसा है। ये वैली ऑफ फ्लावर है, किधर से जाने का है? इधर से जाने का सर, पूछ लेंगे ना किसने क्या है पहले मास्क। हाँ यही कर, उसको पैसे नहीं देना। ओके ये वैली ऑफ फ्लावर है। अरे वाह सही है। तो ये है, अब हम लोग वैली ऑफ फ्लावर में आ चुके हैं। अरे वाह यहाँ पे बहुत सही बना रखा है। ये तो है, इस तरफ भी देख, इस तरफ देख, ये वाला देख। साउंड चले जा शूटिंग है भाई, आपको करे तो क्या मैं रिकॉर्डिंग साना मटे यूट्यूब ये ऐसा लग रहा है शादी वाला डेकोरेशन ना, लेकिन रियल है वो सब। शादी वाले वैली ऑफ फ्लावर के यहाँ पे व्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू पॉइंट्स। ये व्यू पॉइंट्स है, अंडरग्राउंड पावर हाउस, डैम साइट व्यू पॉइंट, डाइक, बोटिंग पॉइंट, टेंट सिटी, बोले गेट, टेंट सिटी। तो चलो
जितना पॉइंट हमसे कवर होता है वो तो हम करेंगे अभी। एकता फ्लावर शो 2020 वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ बहुत टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं, देख रहे हो आप, और वो सामने स्टेचू ऑफ यूनिटी दिख रहा है यहाँ से। ये वैली ऑफ फ्लावर गार्डन बहुत अच्छा बना हुआ है, देख सकते हो। इस साइड में ये पूरा वहां से, और वो वाला इसका गेट था यूनिटी ऑफ वैली ऑफ फ्लावर करके कुछ लिखा हुआ है, वहां इसका गेट था। और सामने एक सफारी, जंगल सफारी वाला एक और बना हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है, वो जस्ट सामने है। और ये पूरा वैली ऑफ फ्लावर है, देख सकते हो वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। बहुत सही है, बट वैली ऑफ फ्लावर में मैं सजेस्ट करता हूँ आप जब भी आओ, लाइक इवनिंग टाइम में आओ तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। और इवनिंग टाइम में आप आओगे तो लाइट शो भी देख सकते हो, जो कि लाइट शो 150 में इंक्लूड होता है वैसे, बट वाह। यहाँ एक शेर बैठा हुआ है रखवाली के लिए, ताकि आप फ्लावर ना तोड़े, वो खा भी सकता है शेर, देख रहे हो ना। दीक्षित फ्लावर नहीं तोड़ना, बहुत कुछ उखाड़ सकता है शेर। हाँ। वो वाले बहुत सही है। ये सारे देख रियल है यार। ये मोदी जी खुद आके पानी डाल गए, अब ये सब गए। ये वाला क्या है यार, देख, ब्रोकली। ये वाला क्या है, आप अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये वाला प्लांट किसका है। ब्रोकली लग रहा है। मुझे तो आइडिया है नहीं कि वो वाला कौन सा प्लांट है, तो अगर आपको पता है वो वाला कौन सा प्लांट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये वाला प्लांट इस साइड में सिंथेटिक वाला पार्क बना रखा है, सिंथेटिक फ्लावर्स लगा रखे हैं, वो उधर रोज लगाया हुआ है सिंथेटिक, कुछ डियर लगाए हुए हैं, हिरन है कुछ, तो वो सिंथेटिक पार्क है उस साइड में। और साइड में ये पूरा रियल पार्क है, सारा पूरा रियल पार्क। ये बहुत सही है यार। तो ये पूरा पार्क है यहाँ का, आप देख सकते हो जैसा। तो चलो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठते हैं कहीं पे, क्योंकि धूप बहुत है यहाँ पे, और फिर हम लोग निकलते हैं शायद। उस साइड में सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है वैली ऑफ फ्लावर का, तो आप वहाँ पे बैठ भी सकते हो। वो हमारे सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू दिख रहा है उस साइड में, वल्लभ भाई पटेल का। और यहाँ पे आई एम इन वैली ऑफ फ्लावर लिखा हुआ है, तो चलो वो भी देखते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे आई एम इन वैली ऑफ फ्लावर गुजरात इंडिया लिखा हुआ है, और वो जस्ट पीछे ही आप देखो उस साइड में स्टैचू भी दिख रहा है। तो चलो अब हम यहाँ पे एक दो फोटो शूट कर लेते हैं, फिर निकलते हैं।